मूत्र वहां जाके जमा हुए और हमारे घर के आगे वो बदबू, ये पानी यहीं का यहीं जमा रहेगा। आप पूरी मंडी में देख सकते हो, कहीं भी ये आपको प्लान नहीं मिलेगा कि 30 फुट की रोड, सभी कोई 15 फुट की है, कोई 10 फुट की है। अगर इस प्लान में जिसने ये इच्छा रखी है कि मैं इस रोड के कारण इतना खुला वातावरण है और उसने यहाँ मकान बनाया और 30 फुट के बजाय वो 15 फुट रह रहा है, अतिक्रमण में हम नहीं होने देते जी। और अगर ये चीज नहीं मान्य हो सरपंच महोदय को, सरपंच पति को, तो हम धरने पर भी बैठेंगे। जहाँ तक हमें जाना पड़ा लास्ट एंड तक हम पहुँचेंगे, हम ये रोड 15 फुट की नहीं बढ़ने देंगे। और मीडिया का मैं धन्यवाद करती हूँ कि हमारी आवाज़ आगे। मैडम ये पंचायत कौन सी और कौन सा ये वार्ड है? ये 4 नंबर वार्ड है, 9 PST पंचायत है, 6 C हाँ जी। और हमारे सामने सरपंच पति आ रहा है, ये तो खर हमारे पूरे ही राजस्थान का ही नियम है, खर सरपंच पति ही काम करते हैं हमारे सामने। अगर लेडीज सरपंच है तो वो कभी बाहर नहीं आई, वो पर्दे में ही रहती है जी जी, ठीक है। और आप चलो, मैं आपको पूरा यहाँ का जो सिस्टम वारदात रोड बनी है मैं दिखाती हूँ, जो खड्डा मैं बता रही हूँ उस महिला का, जो विधवा महिला है उसमें वो सक्षम नहीं है करने को, वो दिखाऊंगी। जहाँ नाली नहीं बनाई है वो दिखाऊंगी, जहाँ इन्होंने 30 फुट की रोड बनाई है मैं वो भी दिखाऊंगी। आपने अधिकारियों को किन किन को सूचित किया है? अधिकारियों को हमने अभी तक कोई किसी तरह शिकायत नहीं कही, हमने सरपंच पति को बुलाने की कोशिश की, 2 महीने हो गए काम चलते, वो हमारे तक नहीं आए। फिर हमने फोन द्वारा 4-5 बार हमने उनको बुलाने की कोशिश की, हमारे सामने उन्होंने कहा मैं आज आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ, आज आ रहा हूँ कल। उसके बावजूद ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी इंटरफेयर कर रही है। देखिए भाई साहब, मैं भारतीय जनता पार्टी की हूँ, मैं मानती हूँ, लेकिन इसमें आपको कोई चीज़ दिख रही है कि भारतीय जनता पार्टी इसमें विवाद खड़ा कर रही है या उसका कोई पर्सनल मामला है भारतीय जनता पार्टी का? ये हमारा सामाजिक मामला है, हम पार्टी में हैं, वो हमारी नीति है कि हमें किस पार्टी को पसंद करते हैं, किस पार्टी से हम चल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पारिवारिक भी तो मसले हैं या हमारे सामाजिक मसले हैं, ये हमारा समाज का मसला है, हमारे महल्ले का मतलब है, पूरा वारवासियों से पूछ सकते हो। मैं इसमें या राय बहादुर जी, हम तो चलो भारतीय जनता पार्टी से हैं, ये पीछे खड़े लक्ष्मण सिंह जी कट्टर कांग्रेसी हैं, अरे ये हमारे महल्ले का मामला है, इसमें पार्टी कहाँ आ गई? मैडम जिला अनूपगढ़ बनने के बाद आपकी प्रथम शिकायत है, क्या कहना चाहोगे? नया जिला घोषित हुआ है, उस चीज़ की हम आदर स्वीकार करते हैं कि हमें बहुत बहुत खुशी है। और जिन कार्यकर्ताओं ने इसका मुद्दा उठाया, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, कांग्रेस ने किया या जिसने भी पार्टी ने किया, उनका मैं धन्यवाद करती हूँ। उन्हें बहुत ही हमारे लिए एक अच्छी योजना और सुविधा की, जो कि हमें गंगानगर के बजाय अनूपगढ़ ही हमारे काम आएंगे। हाँ जी राव बहादुर जी, क्या कहना चाहोगे कि गलियों की ये जो सबसे पहले तो मैं मीडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप ग्राम पंचायत 9 PSD के वार्ड नंबर 4 में पधारे हो, और हमारी निजी समस्या नहीं है, एक पूरे मोहल्ले की समस्या है, सार्वजनिक सार्वजनिक जो समस्या है उसको आज आप रिकॉर्ड करने आए हो, तो कुछ हमारी पीड़ा है वो आपके सामने हम रखना चाहते हैं जी। जी हमारी सबसे बड़ी पीड़ा ये है कि ये जब हमने प्लॉट खरीदे थे ये 30 फुट की रोडें हैं जी जी, ऑलरेडी 30 फुट के पहले खड़बंजे लगे हुए हैं जी जी, तो हम ये चाहते हैं भी किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हो जी। तो ये क्या है, 30 फुट को 15 फुट में कन्वर्ट कर रहे हैं जी जी, 15 फुट में चौके लगा रहे हैं, और वो भी हमने इनको कहा है भी आप नाली है दोनों साइड में बनाओ, हम दो भी नाली एक साइड में नहीं बनने देंगे, और आप ये इलीगली काम कर रहे हो तो आप दोनों साइड में बना दो ताकि हमारा आपस में भाईचारा बना रहे। अब ये क्या करें, एक साइड में बना रहे हैं, दूसरी साइड से दूसरे घर वाले का जो सीधा पाइप ला के और हमारे घरों में डाल रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए हम सभी मीडिया